पुलिस अधीक्षक धार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धार द्वारा चलाए जा रहे फरारी अभियान के तहत एसडीओपी सरदारपुर के मार्गदर्शन में घटना दिनांक 10/8/2021 की रात में ग्राम बेटा थाना राजगढ़ गोरी ढाबा अज्ञात बदमाश द्वारा गोरी ढाबे पर डकैती डाली थी, जो डकैती के दौरान बदमाशों के द्वारा लूटपाट कर ढाबा मालिक एवं बचाव में आए ग्रामीण करण उर्फ भीमा पिता श्याम कटारा भील निवासी बेपटा को 12 बोर बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। फरियादी कैलाश पिता शंभूलाल भील निवासी चेवदा की रिपोर्ट पर थाना राजगढ़ पर अपराध क्रमांक 333/21 धारा 396 397 भारतीय दंड विधान एवं 2527 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पतारसी के दौरान बदमाश धर्मेंद्र उर्फ धर्मू पिता डूंगर सिंह भील तेजादिया जिला झाववा सुरेश पिता अक्रम भील निवासी ग्राम गेटा थाना टांडा जिला धार को दिनांक 2/9/2021 को गिरफ्तार कर उपजेल सरदारपुर भेजा गया। शेष फरार आरोपी कमल सिंह पिता माओजा भील निवासी तेजारिया थाना झाववा मी पिता खुरप सिंह पिता हड्ड भील निवासी घावलिया पवर सिंह पिता खुम सिंह भील निवासी पावलिया मोहब्बत सिंह पिता दरियाव सिंह भील निवासी तेजारिया जिला झाववा दिनेश पिता सेकू भील निवासी घोपदड़ी थाना टांडा जिला धार एवं बनसिंह पिता हेमराज जाति भील निवासी तेजारिया दिलीप उर्फ दिलू पिता खुम सिंह जाति भील निवासी घावलिया जिला झाववा के घटना दिनांक से फरार होने से श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण रेंज इंदौर के द्वारा प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए नगद का इनाम घोषित किया गया है एवं थाना राणापुर थाना कोतवाली झाववा पर भी आरोपी की अलग अलग 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। PEST आरोपी मोहब्बत सिंह की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी रतनलाल मीना राजू मकवाना राम सिंह हटेला प्रेमपाल सिंह सत्यपाल जाट लाखन सिंह प्रदीप सिंह अनिल भावर जितेंद्र भूरिया की अहम भूमिका रही। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।